राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है मेघ एवं कोहरा। मेघों का निर्माण वायु में उपस्थित महीन धूल कणों के केंद्रकों के चारों ओर जल वाष्प के संघनित होने से होता है। अधिकांश दशाओं में मेघ जल की अत्यधिक छोटी छोटी बूंदों से बने होते हैं, लेकिन वे बर्फ कणों से भी निर्मित हो सकते हैं, बशर्ते कि तापमान हिमांक से नीचे हो। अधिकांश मेघ गर्म एवं आर्द्र वायु के ऊपर उठने से बनते हैं। ऊपर उठती हवा फैलती है और जब तक ओसांक तक न पहुंच जाए ठंडी होती जाती है और कुछ जल वाष्प मेघों के रूप में संघनित होती है। दो विभिन्न तापमान रखने वाली वायु राशियों के आपस में मिश्रण से भी मेघों की रचना होती है। भूपृष्ठ पर अथवा इसके समीप का मेघ कोहरा कहलाता है। मेघ आधार की औसत ऊंचाई के आधार पर मेघों के 10 प्रकारों को 3 वर्गों में रखा गया है। ये इस प्रकार हैं: पहला उच्च मेघ 5 से 14 किलोमीटर, दूसरा मध्य मेघ 2 से 7 किलोमीटर और तीसरा निम्न मेघ 2 किलोमीटर से नीचे। उच्च मेघ पक्षाभ मेघ, यह तंतुनुमा कोमल तथा सिल्क जैसी आकृति के मेघ हैं। जब ये मेघ समूह से अलग होकर आकाश में अव्यवस्थित तरीके से तैरते नजर आते हैं तो ये साफ मौसम लाते हैं। इसके विपरीत जब ये व्यवस्थित तरीके से पट्टियों के रूप में अथवा पक्षाभ स्तरी अथवा मध्य स्तरी मेघों से जुड़े हुए होते हैं तो आर्द्र मौसम की पूर्व सूचना देते हैं। पक्षाभ स्तरी मेघ पतले श्वेत चादर जैसे मेघ जो लगभग समस्त आकाश को घेरते हैं तथा इसे दूध जैसी शक्ल प्रदान करते हैं पक्षाभ स्तरी मेघ कहलाते हैं। सामान्यतः ये मेघ सूर्य अथवा चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल बनाते हैं। सामान्यतः ये आने वाले तूफान के लक्षण हैं। पक्षाभ कपासी मेघ, ये मेघ छोटे छोटे श्वेत पत्रकों अथवा छोटे गोलाकार रूप में दिखाई देते हैं। इनकी कोई छाया नहीं पड़ती। सामान्यतः ये समूहों, रेखाओं अथवा उर्मिकाओं में व्यवस्थित होते हैं जो मेघ रूपी चादर में पड़ने वाली सिलवटों से उत्पन्न होते हैं।
ऐसी व्यवस्था को मैकेरल आकाश कहते हैं। मध्य मेघ। मध्य स्तरी मेघ भूरे अथवा नीले वर्ण के मेघों की एक समान चादर, जिनकी संरचना सामान्यतः तंतुनुमा होती है, इस मेघ वर्ग से संबंधित है। बहुधा ये मेघ धीरे धीरे पक्षाभ स्तरी मेघ में बदल जाते हैं। इन मेघों से होकर सूर्य तथा चंद्रमा धुंधले दिखाई देते हैं। कभी कभी इनसे प्रभा मंडल की छटा दिखाई देती है। साधारणतया इनसे दूर दूर तक और लगातार वर्षा होती है। मध्य कपासी मेघ। ये चपटे हुए गोलाकार मेघों के समूह हैं, जो रेखाओं अथवा तरंगों की भांति व्यवस्थित होते हैं। ये पक्षाभ कपासी मेघ से भिन्न होते हैं, क्योंकि इनकी गोलाकार आकृति काफी विशाल होती है और अक्सर इनकी छाया भूमि पर दिखाई देती है। निम्न मेघ। स्तरी कपासी मेघ कोमल एवं भूरे मेघों के बड़े गोलाकार समूह, जो चमकीले अंतराल के साथ देखे जाते हैं, इस वर्ग में शामिल हैं। साधारणतः इनकी व्यवस्था नियमित प्रतिरूप में होती है। स्तरी मेघ। ये निम्न एक समान परत वाले मेघ हैं, जो कोहरे से मिलते जुलते होते हैं, परंतु भूपृष्ठ पर ठहरे नहीं होते हैं। ये मेघ किरीट या प्रभा मंडल उत्पन्न करते हैं। वर्षा स्तरी मेघ। ये घने आकृति विहीन तथा बहुधा बिखरे परतों के रूप में निम्न मेघ हैं, जो सामान्यतः लगातार वर्षा देते हैं। कपासी मेघ। ये मोटे घने ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ हैं। इनका ऊपरी भाग गुंबद की शक्ल का होता है। इसकी संरचना गोभी के फूल जैसी होती है, जबकि इसका आधार लगभग क्षैतिज होता है। अधिकांश कपासी मेघ साफ मौसम रखते हैं, हालांकि इनका आधार कपासी वर्षा मेघ में बदलकर तूफानों को जन्म देता है। वर्षा कपासी मेघ। ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघों के भारी समूह, जिनके शिखर पर्वत अथवा टावर की भांति होते हैं, कपासी वर्षा मेघ कहलाते हैं। इसकी विशेषता इसके ऊपरी भाग का निहाई आकृति का होना है। इसके साथ भारी वर्षा, झंझा, तड़ित झंझा और कभी कभी ओलों का गिरना भी जुड़ा हुआ है। विशाल ऊर्ध्वाधर विस्तार वाले मेघ। ये ऊंचे मेघ पूर्णतया हिम कणों से निर्मित होते हैं। ऐसे ऊर्ध्वाधर विस्तार से बने मेघों के निचले भाग जलबूंदों तथा ऊपरी भाग हिम कणों से निर्मित होते हैं।
है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्रा, आलेख एमएन कॉल तथा आरके गंजू, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर संजय कुमार, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।